2 अप्रैल 2011 इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. Indian cricket was at its peak. Well done team India, the man in blue, the man on fire. पर ठीक 3 महीने बाद इसी टीम ने इंग्लैंड का अपना सबसे बुरा टूर किया। England totally dominant. England passed the 700 run mark for the first time since 1938. A very dismal performance. लेकिन इस अंधेरे में इंडिया के लिए सिर्फ एक किरण था, प्रवीण कुमार। Close in swinger, keeper was going down. Billy Bowden gives him out. ये बॉलर उस वक्त अपनी पीक पर था। इंग्लिश कमेंटेटर उसे मॉडर्न क्रिकेट के दिग्गज बॉलर से कंपेयर कर रहे थे। Swings the ball as much as Praveen Kumar, but just a little bit quicker. पर अफसोस, उस सीरीज का तीसरा टेस्ट उसके करियर का आखिरी टेस्ट बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। That no one in international cricket can swing the ball as much as PK. यहाँ प्रवीण कुमार के अनफिट होने के बाद श्रीसंत को टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। मनोज प्रभाकर से जोरदार झगड़ा हुआ, इस वजह से ही पहले मैच में प्रवीण को खिलाया नहीं गया। सेलेक्टर्स भूल चुके हैं और फैंस भी भूल चुके हैं, और एक बार उन्होंने सुसाइड करने का मन बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना रिवॉल्वर तक निकाल लिया था। MS धोनी मूवी का ये सीन तो सबको याद होगा, जिसमें धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप से पहले सेलेक्टर्स के साथ मिलकर टीम में कुछ बड़े चेंजेस किए थे, जिससे इंडिया को ODIs में भी वो रिजल्ट्स दिख सके जो T20s में दिखा था। इसी बीच क्रिकेट सर्किट में एक बॉलर अपना नाम बना रहा था जो बॉल को दोनों तरफ लहराना जानता था। ऐसी सीम पोजिशन किसी भी बॉलर की कई सालों बाद दिखी थी। आशीष नेहरा और जहीर खान के बाद इंडिया को एक और ऐसा बॉलर मिल चुका था जिससे ये टीम किसी भी विरोधी टीम को पटखनी दे सके, और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला 2008 CB सीरीज वॉज द फर्स्ट मिशन टू अकम्पलिश। पहले फाइनल में ऑस्ट्रेलियन टीम के दो पिलर्स एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग को 2 लगातार ओवर्स में प्रवीण कुमार ने आउट किया, और सेकेंड फाइनल में 46 रन देकर 4 विकेट झटका, विच हेल्प्ड इंडिया डिफेंड 258 एंड सील द सीरीज। वर्ल्ड कप के रास्ते में ये इंडियन टीम का सबसे बड़ा जीत था। प्रवीण कुमार वो बॉलर बन चुके थे जो किसी भी कंडीशन में किसी भी बैटिंग यूनिट की कमर तोड़ सकता था। इंडिया की नज़र 2011 वर्ल्ड कप पे थी, और 2008 से 2010 के बीच प्रवीण ने 36 ODI विकेट्स लिया था, सेकंड बिहाइंड आशीष नेहरा। पर इस बीच हौले हौले एक और बात ने अपना नाम बनाया कि जहाँ पीके वहाँ पंगा। अभी तक के सारे एलिगेशंस को देखे तो टीममेट्स, अंपायर्स, फैंस, रेफरीज, लोकल्स, कोई भी नहीं बचा जिन्होंने पीके पे एलिगेशंस नहीं लगाया। खैर, जैसे इंजरी ने 2010 वर्ल्ड T20 में उन्हें टीम से बाहर कर दिया था, वैसे ही 2011 से ठीक पहले डेंगू एंड सम इंटरनल इंजरी ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। उनके जगह मौका मिला श्रीसंत को। प्रवीण कुमार को फेम बहुत जल्दी मिल गया था, छोटे शहर से होने के बाद इतनी जल्दी इतना नाम कमाना, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं वो सक्सेस को पचा नहीं पाया, सक्सेस उसके कपार पे चढ़ गया। 2011 पटौदी ट्रॉफी में भी उनका ये पंगा वाला गुस्सा दिखा, वो भी अंपायर पे, जब उनके एक प्लम को मराई रेसमस ने नॉट आउट दिया। तीसरे टेस्ट मैच के बाद एक इंजरी ने प्रवीण कुमार को टीम से बाहर कर दिया। सिर्फ 3 मैच खेलने के बाद भी वो सीरीज में 15 विकेट के साथ इंडिया के तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अब सोचिए, अगर वो टीम में ना होते तो इंडिया और कितने बुरे तरीके से सीरीज हारता। लॉर्ड्स में उन्होंने 5 लिया और ऑनर्स बोर्ड पे अपना नाम गढ़वाया। अब आलम देखिए, ये सीरीज उनके करियर का आखिरी टेस्ट सीरीज था, सिर्फ 1 साल का टेस्ट करियर और 5 साल का इंटरनेशनल करियर। तो गलती कहाँ हुई? इंजरी के बाद टीम में कमबैक करने के लिए प्रवीण डेस्परेट थे, उन्हें डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना था। रायपुर में हो रहे 2013 कॉर्पोरेट ट्रॉफी मैच में वापस से उनका पंगा हुआ। बैट्समैन को बाउंसर मार रहे थे, बैट्समैन अंपायर को बोल रहा था ध्यान रखो नो बॉल है नो बॉल। उन्होंने बैट्समैन से झगड़ा किया, उनके हेलमेट पे सर मारा। रेफरी ने उन्हें ऑफिस में बैठने को कहा, वो बोले जो करना है कर, मैं जा रहा। रेफरी डिक्लेयर्ड हिम मेंटली अनफिट टू प्ले, जिसके वजह से उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी से सस्पेंड कर दिया गया। अब भाई परफॉर्मेंस तो हुई नहीं तो सिलेक्शन का सवाल उठता भी नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया में उस वक्त नए नए प्लेयर्स का पूल जम रहा था।
और उसमें से एक नाम ऐसा भी था जो मेरठ से ही था, वो भी बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा सकता था, बस वो प्रवीण कुमार के तरह पंगा नहीं करता था। और इस खिलाड़ी का नाम प्रवीण कुमार ने खुद मैनेजमेंट को सजेस्ट किया था। नाम आप सब नीचे कमेंट्स में बताइए। अब टीम में वापसी के लिए प्रवीण कुमार को उम्मीद के भरोसे ही बैठना था। एक बात यहाँ पर आप लोग को रिमाइंड करना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने काम से ऊपर नहीं होते हो। तुम्हारा काम सब कुछ है, और किसी भी फील्ड में बेहतरीन होने से पहले आपको एक बेहतर इंसान बनना होता है, जो सचिन और धोनी जैसे प्लेयर्स बन पाए। 2012 में भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक फैन के गाली देने पर पीके रिप्लाई में गाली और मारने की धमकी दे रहे थे। कोई भी अपने आसपास ऐसा गुस्सैल इंसान रखना पसंद नहीं करेगा। एक बार गन स्टोर से निकलते वक्त एक कार से उन्हें गड्ढे का कीचड़ पड़ गया, उस पे झड़प। एक बार एक आदमी दीपक कुमार जब अपने 7 साल के बेटे को स्कूल बस पे ड्रॉप कर रहा था, देन पीके की कार ब्लॉक हो गई। इस पे पीके ने फिर झड़प किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि वो डिप्रेस्ड हैं। इंडियन टीम में वापस से अपनी जगह ना बना पाने पे वो बहुत डिप्रेस्ड थे, एंड ही ऑल्सो अटेम्प्टेड सुइसाइड। पर आखिरी लम्हे में उन्हें अपने बच्चे और फैमिली की याद आ गई, एंड ही बैक्ड ऑफ। तो ये सब चीज़ें, एंगर, डिप्रेशन, कभी उनका मौका वापस इंडियन टीम में बनने ही नहीं दिया। तो एक खिलाड़ी जिसने कभी रणजी मैच में दिल्ली जैसे मजबूत टीम की बैटिंग की कमर तोड़ दी थी, सिर्फ 68 रन देकर 8 विकेट झटका था। IPL 2010 में RCB की तरफ से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हैट्रिक लिया था, वही प्रवीण कुमार को वापस से टीम में जगह नहीं मिली। उन्होंने रिसेंटली एक बात कही है कि सिर्फ 2 मिनट के गुस्से से कितना रायता फैल जाता है, और देखिए इतना बड़ा रायता कि पूरे प्लेट से उनका करियर ही साफ हो गया। इसी तरह के एक बॉलर थे RP सिंह, जो एक वक्त पे जहीर खान और इरफान पठान के कंधे से कंधे मिला रहे थे, और उनका करियर भी ऐसे ख़त्म हुआ जैसे वो बंदा कभी था ही नहीं। अगर आपको उनकी स्टोरी जाननी है तो नीचे कमेंट करें। तो आपके राय में क्या प्रवीण कुमार के साथ सही हुआ? उनके करियर की इस हाल का जिम्मेदार कौन था, वो खुद या BCCI की पॉलिटिक्स? नीचे कमेंट में मुझे बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।